हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं बी टी वी, और बी टी वी में टाइम है पब्लिक का। पब्लिक टाइम में मैं आ गया हूँ लाहौर प्रेस क्लब के, इलेक्शन है 2022 के और 5 कैंडिडेट सदर के लिए खड़े हुए हैं, 4 पैनल हैं और लोगों से बात करेंगे, कैंडिडेट से बात करेंगे और साफियों से बात करेंगे। क्या राय है उनकी, आए मेरे साथ। देखिए जो आज प्रेस क्लब का इलेक्शन हो रहा है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक इलेक्शन हो रहा है और मैं खुश इसलिए हूँ कि जिस तरह एक कहते हैं आइडियल इलेक्शन वो हो रहा है, इसमें बेशक मैं अरशद अंसारी के अल्टीमेटली उसका अपना ग्रुप है वो खड़ा होता है, लेकिन जो तमाम सारे ग्रुप्स हैं वो अपने सब भाई हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से इलेक्शन लड़े हैं, भाइयों की तरह खड़े हैं। कंपेन ऐसे हो रही है जिस तरह आइडियल होनी चाहिए, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है, कोई किसी से बदतमीज़ी नहीं है और बहुत ही सब एक दूसरे से एक फेस्टिवल की तरह है तो, और ये ना ऐसे ही रहना चाहिए। और ये पहले तो कभी एक आधा खुशगवार वाक्य हो जाता था, लेकिन पिछले 2 साल और ये 3रा साल है, बहुत ही खूबसूरत इलेक्शन है। जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको बहुत मुबारक हो। जीतना जो है वो हार जीत तो होती है किसी की भी, लेकिन तमाम लोगों को इस बात की मैं मुबारकबाद देता हूँ कि खूबसूरत तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई जी। वालेकुम सलाम। नाज़रीन मैं हसन भाई का आपको बता दूं कि बड़े ही खूबसूरत भाई हैं हमारे और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं लाहौर प्रेस क्लब के जो इलेक्शन हो रहे हैं और सियासत में, और इनकी अपनी भी जमात है और एंकर बहुत खूबसूरत हैं और नॉलेज इनका तो आप जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। आपने वक्त दिया जी जी। तो हसन भाई आप आज के जो इलेक्शन हैं जो हो रहे हैं प्रेस क्लब के, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएँ ज़रा। इस पर देखिए, ये जो प्रेस क्लब के इलेक्शन है माजी से थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि एक दफ़ा पहले हुआ था कि 4 पैनल खड़े हुए थे और इस दफ़ा भी 4 पैनल खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो सहाफ़ी हैं इनके अंदर बड़ा शऊर है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, और इस दफ़ा के जो इलेक्शन है ये 2 पार्टी सिस्टम से हट के इसमें थोड़ा सा पोलराइजेशन आपको ज़्यादा नज़र आती है। उसकी वजह से जो सबसे अहम बात है कि वोटर को एक चॉइस बहुत ज़्यादा मिल गई है। हर पैनल के तकरीबन उसको 4 कैंडिडेट तो ऑप्शन है और नीचे भी तकरीबन अगर आप देखें तो 27 कैंडिडेट का, बल्कि 4 पैनल है तो इसको 9 इसमें और ऐड कर दें। तो ये इतनी चॉइस के अंदर अब वोटर को चॉइस है। तमाम कैंडिडेट जो इसमें एफर्ट कर रहे हैं, मैं चूँकि प्रोग्रेसिव पैनल के लिए एफर्ट कर रहा हूँ और इसके साथ साथ हमारे कैंडिडेट हैं ज़हीर शेख साहब, हम उनके लिए कर रहे हैं। बहरहाल सारे कैंडिडेट जो हैं वो अपनी एक जो है एफर्ट कर रहे हैं कि उन्हें वोट मिले। अहम बात इसमें यह है कि वोटर को ये चाहिए कि जो भी वो समझते हैं कि उनकी जो आगे नुमाइंदगी का हक अदा कर सकते हैं उन लोगों को आना चाहिए। साफियों के बहुत सारे मसाइल हैं जी, हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। प्रेस क्लब अगर चाहे हमारा एंटरटेनमेंट का इदारा है, लेकिन माजी के अंदर जो कुछ अब तक हुआ है उसकी वजह से इसका रोल बड़ा अहम हो गया है। अब बहुत सारे साफियों के मसाइल इस प्लेटफॉर्म से हल होते हैं, इसलिए इसमें इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा नज़र आएगा। लोगों की आज बहुत बड़ी तादाद यहाँ है, इस बात का सबूत है। एक फेस्टिवल है नहीं, लेकिन फेस्टिवल के साथ साथ ये बड़ी सीरियसनेस के साथ भी लोगों को, चूँकि जर्नलिस्ट बरदरी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, गुनागु मसाइल से के हल के लिए निकलने के लिए उन्हें फिर ये वोट अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं वो, ताकि जब क़यादत सामने आए तो उनकी जो उमंगें हैं ख्वाहिशें हैं उसको वो पूरा कर सकें। अच्छा सर भाई, एक दूसरी बात मैंने कि 5 कैंडिडेट जो हैं वो सदर के लिए खड़े हुए हैं और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक आज़ाद खड़ा है जिस तरह बाबर डोगर साहब हैं, आज़म चौधरी साहब हैं और उसके बाद जवेद फुरकी साहब हैं और हारून रशीद साहब हैं कोई मेरा ख्याल, तो ये आप 5 कैंडिडेट को सदर में देख रहे हैं कि ये सदर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपके ख्याल में वोट जो है इसकी क्या रेशो बनेगी? देखिए, ये स्प्लिट मैंडेट आएगा और मुझे यही लगता है कि हर पैनल से कुछ ना कुछ लोग जो है ना बॉडी में जाएंगे, तो ये क्लियर कट शायद किसी पैनल को उस तरह ना मिले, लेकिन चूंकि मैं प्रोग्रेसिव के लिए खड़ा हूँ तो मैं तो बाबा डोगर साहब की पोजीशन बहुत बेहतर देख रहा हूँ। बाकी जो नतायज हैं वो तो वोटर ने जो वोट देना है उसके मुताबिक आने हैं। मैं उनकी कन्वेंसिंग कर रहा हूँ बाबा डोगर साहब की, लेकिन बाकी कैंडिडेट भी बहुत अच्छे हैं, वो भी अपने आप को उन्होंने पेश किया है वोटर्स के सामने। तो मुझे ये लगता है कि ये जो होगा 2-3 के दरमियान तो बहुत टफ मैच है और ये करीब करीब ही होगा, थोड़े से वोटों के फ़र्क से ही जो रिजल्ट आएगा ये जी वो डिवाइड होगा डेफिनेटली। जब 5 प्रेसिडेंट खड़े हैं तो एक दूसरे का वोट डिवाइड होगा, ये तो रात को पता चलेगा कि किस कैंडिडेट के वोट ने किसको डैमेज किया। बहुत शुक्रिया हसन भाई सर। देखिए, नया तो बात की बात है, पहले तो पुराना गंद जो है उसको साफ करना चाहिए, क्लब को प्रोफेशनल्स का क्लब बनाना चाहिए। क्लब के जो हालत है आपके सामने है,
यहाँ पर बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिनका प्रोफेशन से लेना देना ही कुछ नहीं है, तो इंशाल्लाह एक स्मार्ट किस्म की स्क्रूटनी करेंगे और ऐसे लोग जो प्रोफेशन में है ही नहीं है, दूर दूर से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको फारिग करके नए अच्छे प्रोफेशनल लोगों को लेके आएंगे और इसके साथ साथ जो सोसाइटीज़ का गंद है इसको ख़त्म करेंगे। और मेरा ये भी वादा है कि फेज़ टू में अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे भाइयों ने मुझे वोट दिया तो इंशाल्लाह मेरा जो टारगेट है वो ये है कि इस साल मैं फेज़ टू लोगों के हवाले कर दूंगा, अपने भाइयों के हवाले कर दूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए जब मैं सेक्रेटरी था तो उस वक्त चटियल मैदान था ब्लॉक, मैं आया, मैंने वहाँ पर लोगों को मोटिवेशन दी, वहाँ पर हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 4 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, उससे ये डेवलपमेंट के फेज़ में चला गया, एक साल ज़ाया हुआ है, इंशाल्लाह ये मार्च अप्रैल इससे आगे नहीं जाएगा, लोग वहाँ पर अपना घर बनाना शुरू कर देंगे, ये मेरा वादा है। देखिए जी ये हर साल एक हेल्दी जो है वो कंपटीशन होता है और एक फैमिली इन्वायरमेंट हम तो समझते हैं कि होता है कि तमाम दोस्त जो सारा साल मुलाकात नहीं होती इलेक्शन के दिन उनसे मुलाकात हो जाती है, तो एक अच्छी इन्वायरमेंट है। और मैं तो तवक्कुल करता हूँ चूँकि जर्नलिस्ट ग्रुप ने हमेशा जो है कम्यूनिटी के फलाह बहबूद के लिए काम किए हैं, इस जो प्रेस क्लब था जब हमें मिला तो ये डिफ़ाल्टर प्रेस क्लब था, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि प्रेस क्लब हो चाहे साबिक लूनी हो, क्लब की रेनोवेशन देख लें, क्लब में जो है वो इंश्योरेंस बहाल होगी, मेम्बरों की बहाल कर दी गई, इसके अलावा आज जो सबक बाडी है जो नई बाडी जो आज मुंतब होगी आप देखें कि 90 लाख रुपया छोड़ के जा रही है, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी कि ना सिर्फ मुलाजमन की तनखाई अदा होगी, इंश्योरेंस तमाम मेम्बरों की अदा होगी, खाना पीने का सिलसिला यहाँ वाफर मकदार में जारी है, क्लब की तजीन और रहाइश होगी और पहली दफ़ा आया कि तकरीबन जो है 90 लाख से ज्यादा रकम जो है वो मौजूदा बाडी छोड़ के जा रही है, तो इससे बड़ी क्या कारकर्दगी होगी। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर की साफ़ी पढ़ी लिखी कम्यूनिटी है और वो मैं तोका करता हूँ कि इंशाल्लाह जर्नलिस्ट ग्रुप को वो मुंतब करेगी जिन्होंने हमेशा जो है साफियों की फलाह बहबूद के लिए काम किया। देखते हैं कि 4 पैनल हैं और 5 कैंडिडेट सदर के लिए, तो वोट की क्या रेशो हो जी? वोट की रेशो तो तकरीबन इस वक्त 2500 वोट है और इस वक्त तक मेरे ख्याल से 300-400 कास्ट हो चुका है और साफियों ने अपना भरपूर यहाँ पे इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया है। और मेरी गुजारिश है आपके चैनल के तवसत से कि जिस ग्रुप ने काम किया, मैं जर्नलिस्ट ग्रुप को प्रेजेंट करता हूँ, तो उस ग्रुप को वोट करें, सपोर्ट करें और प्लीज़, क्योंकि इंश्योरेंस का मसला था, इंश्योरेंस भी हमने बहाल करवाई, ठीक है, और 3 साल से रुकी हुई थी इंश्योरेंस, फिर क्लब की स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब बना दिया है, प्रेस क्लब को हमने और सारा जो से रेनोवेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हैं, जितना काम हमने किया किसी ग्रुप ने आज तक किया, आज 4 ग्रुप खड़े हुए लेकिन जर्नलिस्ट ग्रुप सबसे सरफहरिस्त है और अल्लाह के हुक्म से आगे अगर दोबारा साथी वोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ऐसे काम की कंटिन्यूटी जारी रखेंगे हम। अच्छा शेख साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5 अगर सदर के इलेक्ट कर रहे हैं मेंबर्स हैं जिस तरह जाय शेरवानी साहब हैं, बाबर डोगर हैं, आजम चौधरी साहब हैं और जवेद फरूकी साहब हैं और हारून रशीद साहब हैं, तो वोट किस तरह डिवाइड होगा? ये वोट इस तरह डिवाइड होगा कि हमारा जो जर्नलिस्ट ग्रुप है ना उसमें तो कोई डिवाइड नहीं है, जर्नलिस्ट ग्रुप का वोट बैंक वोट वही है, लेकिन जो सब प्रोग्रेसिव था उसमें से निकल के दोस्त पायनियर में चले गए, उन्होंने नया ग्रुप बना लिया पायनियर, तो जर्नलिस्ट ग्रुप का वोट तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन प्रोग्रेसिव का डिवाइड है तो उनमें कुछ हो सकता है, इंशाल्लाह हमारी मेहनत है, हमारा वोट डिवाइड नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जब वज़ीर आला पंजाब चौधरी बुरेला ही था उस वक्त कलोनी मिली, उस वक्त साफियों को उन्होंने अकोमोडेट किया, उसके बाद जितनी गवर्नमेंटें आई हैं 10 साल शहबाज शरीफ भी रहे, किसी ने जर्नलिस्टों का ख्याल नहीं किया, इज्तमाही तौर पे नहीं किया, ज़ाती तौर पे ज़रूर उन्होंने किया होगा, बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला ने अगर चौधरी बुरेला को इज्जत दी तो हम दूसरा ब्लॉग इसी तरह साफी कलोनी का बनाएंगे और उसमें जो जिनको नहीं मिले हैं उनको सबको अकोमोडेट करेंगे और प्रेस क्लब में नई बॉडी इंशाल्लाह ताला आएगी और इसके मामलात बेहतर करेगी। देखें साल 2021 में जो हमें मैंडेट मिला, सबसे पहले तो हम मेंबरान की उस पर मशकूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साल 2000 में जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं।
उसमें कॉलोनी के 17 साल पुराने इश्यूज हों, उसकी म्यूटेशन हो, उसकी बहाली हो, उसके साथ साथ सीवरेज, वाटर सप्लाई हो, सैनिटेशन हो, ये तमाम इश्यूज रिजॉल्व किए गए। एफ ब्लॉक जो एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। और अब फरवरी 2022 से जो भी इलेक्शन के नतज होंगे उसके बावजूद मैं ये आपको बावर करवा रहा हूँ कि फरवरी 2022 में एफ ब्लॉक के मेम्बरान अपने घर बना सकेंगे। फेज़ टू जो है वो उसमें पहली मरतबा ग्राउंड के ऊपर कोई वर्क हुआ, उससे पहले ज़ुबानी वादे थे गवर्नमेंट के और अमलन कुछ नहीं था। पहली मरतबा गवर्नमेंट ने समरीज मूव करवाई, चीफ मिनिस्टर ने प्रिंसिपली इन राइटिंग एग्री किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारा ये गोल है कि जो काम हमने फेज़ टू का कर चुके हैं अब तक, हम इस साल के दौरान अल्लाह ताला अगर हमें मैंडेट मिलता है मेम्बरान की जानिब से तो अल्लाह ताला के फजल से हम ये फेज़ टू जो है इसके अपहिल टास्क इंशाल्लाह ताला साल 2022 में मुकम्मल करेंगे। और इसके साथ साथ जो क्लब की जो रेनोवेशन आपने देखी होगी जो अब तक हम मुकम्मल कर पाए, इसको जो फर्दर इसका जो फेज़ टू था क्लब की रेनोवेशन के हवाले से, जिसमें कैफेटेरिया की टोटल रीवैम्पिंग है, उसका मुकम्मल उसको ओवरऑल करना है, इसके साथ इसमें जो है वो एडिशनल सर्विसेज ऐड ऑन करनी है, नए वेन्यूज जो है ना वो बनाए जाने हैं ताकि बेहतर तरीके से हम यूटिलाइज कर सकें क्लब की जो है वो प्रेमिसेस को। तो ये काम जो है वो साल 2022 में इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, किस तरह आप देख रहे हैं कि 5 कैंडिडेट हैं सदर के लिए और वोट की रेशो क्या हो? देखिए, वोट का वैसे टर्नआउट तो हमारे यहाँ हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, यानी पिछले साल अगर हम बात करें तो आज फिर भी वेदर बहुत अच्छा है। पिछले साल बहुत ख़राब वेदर था और उसमें बारिश वारिश थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा वोट पड़ा, 1900 से ज़्यादा वोट पड़ा था। और इस साल तो फिर भी कुछ बेहतर है वेदर, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा वोट पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बात की कि क्या नतज क्या होगा, अब देखते हैं कि क्या, हमने तो अपनी परफॉर्मेंस रखी है, हम पिछले 3 साल से जर्नलिस्ट ग्रुप को मुसलसल जो है हमारे लाहौर के सहाफ़ी जो हैं वो जर्नलिस्ट ग्रुप को मैंडेट दे रहे हैं और वो अगर वो 3 साल से इलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी कोई वजह है। अच्छा, लेकिन जावेद भाई पहले आपको भी पता है कि आपने अरशद अंसारी साहब खड़े थे और अब आप उस जगह कर रहे हैं, अरशद अंसारी साहब के हवाले से क्या आपका क्या ख्याल है? देखिए, अरशद अंसारी जो हैं वो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, 11 बार लाहौर प्रेस क्लब के सदर रहे हैं, तो फिर मैं वही कहता हूँ कि अगर 11 दफ़ा वो सदर रहे हैं तो उसकी कोई वजह है। ठीक है, तो ये है कि हमने काम किए हैं और मुसलसल काम किए हैं, सहाफ़ियों की खिदमत की है, ख्वाह वो उनकी वेलफेयर के काम हो या सहाफती जो हमें चैलेंजेस होते हैं उनके लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है, तो उसके लिए भी जर्नलिस्ट ग्रुप ने हमेशा आवाज़ बुलंद की है और ऐसे तमाम जब भी कोई चैलेंज आता है तो लाहौर प्रेस क्लब हमेशा एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है ऐसी जदोजहद में। आप मुझे बताइए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो राइट में आप कहते हैं कि साफ़ी हैं, कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो जिनका सहाफ़त से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि 20 साल से, 15 साल से, 18 साल से वो सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं और इदारों में काम कर रहे हैं लेकिन वो मेंबर नहीं है। अब अगर आप आते हैं तो इस हवाले से क्या करेंगे? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि कुछ बदकिस्मती की बात है कि कुछ मेंबरशिप ऐसी हैं जो शिकायत हैं कि जो मेरिट पर पूरा नहीं उतरती, तो वो उनका भी जायज़ा लिया जाता है, वक्तन फ़वक्तन लिया जाता है, अब भी उसका जायज़ा लेंगे। और जो दूसरी बात आपने की कि बहुत से ऐसे मेंबर्स, बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट जिनकी तवील सर्विसेज हैं और वो महरूम है मेंबरशिप से, हम इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन जीतते हैं तो हमारे बिल्कुल ये एजेंडे में शामिल है कि हम मेंबरशिप जो पिछले 3-4 साल से हमने बंद कर रखी है मेंबरशिप खोलेंगे, जो डिजर्विंग है, जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें मेंबर बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जीत भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। जी देखें, 2-3 इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये हैं कि 2003 में जब मैं इलेक्शन लड़ा और आप दोस्तों से मोहब्बत से मुंतखब हुआ तो उस वक्त 700 मेंबर थे जिनमें 400 इंग्लिश अखबारों के थे और 300 उर्दू के। हमने उस वक्त 150 उनमें से जो जालसाज थे वो निकाले और 700 बंदा नया इंडक्ट किया। अब मामला ये हैं कि जब सीनियर आदमी प्रेस क्लब में आता है तो उसको जाना पहचाना चेहरा ही नहीं मिलता, नए नए लोग ऐसे आ गए हैं जिनका सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर हमें मौका देता है तो हम प्रेस क्लब को
प्रेस क्लब के मेंबरान और उनकी फैमिलीज का क्लब बनाएंगे, ना कि वो लोग जिनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा रह गया फेज़ टू। देखें, एक आस दिलाई गई है, जब मैं कुछ कर नहीं सकता तो मैं लोगों को आस क्यों दिलाऊँ। इन लोगों ने 18 साल प्लाटों के ऊपर सियासत की है। हमारी ये कोशिश है कि अगर हम आप दोस्तों की मोहब्बत से मुंतखब होकर आते हैं तो 6 माह के अंदर अंदर प्लाटों पर सियासी भाव बंद करके फेज़ टू को अमली शक्ल में दिखाएंगे कि जी ये आपकी जगह है और ये मेंबरान हासिल कर सकते हैं। तो ये कोशिशें हैं। आज का फेस्टिवल है, बड़ी खुशी से सारे दोस्त मना रहे हैं, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं और हम सब दोस्त हैं, लेकिन कोशिश यही है कि क्लब की बेहतरी के लिए और हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको मुंतखब अंजाम तक पहुँचाया जाए। जी देखिए, हमारा 1 साल का टेन्योर होता है। आज़म चौधरी साहब जब सदर थे तो बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं कि फेज़ टू के अलाटमेंट लेटर गवर्नमेंट जाने वाली थी, उन्होंने आखिरी हफ्ते में सारा काम मुकम्मल करा के उन लेटर जो फेज़ टू के थे उनको दिए, लेकिन उसके अंदर डेवलपमेंट के मामलात और आगे जो ज़मीन हमने लेनी है उसके कुछ काम रह गए थे। अल्लाह ने मौका दिया तो हम दोबारा मिल के ये काम। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप भी और हम एक ही क्योंकि इस प्रोसेस का हिस्सा है, इसलिए आपने ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन ढूंढा है। बात यह है कि एक तो दो ग्रुपों की जो पॉलिटिक्स थी ना उससे बहुत लोग परेशान थे, ऑप्शन ख़त्म हो गई थी लोगों के पास, और उस वजह से जब हमने ये देखें आज 12वां दिन है इस ग्रुप को लॉन्च किए हुए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी किसी ग्रुप को इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली जितनी इस ग्रुप को मिली। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने जो ग्रुप, क्योंकि ये सारे जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव ग्रुप के लोग हैं, ये इनका इन ग्रुपों के ऊपर अदम-ए-एतमाद था और इस ग्रुप के ऊपर उनका एतमाद का इजहार था। मैं क्यों दोबारा लड़ रहा हूँ? एक तो मेरे ग्रुप का डिसीजन था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि ये हम रवायत ये है कि हम खुद ख्वाहिशमंद नहीं होते, ना हम खुद कैंडिडेट बन के आते हैं, ग्रुप डिसाइड करेगा किसको इलेक्शन लड़वाना है। दूसरी बात यह है कि आज से 3 साल पहले 2018 में मैं 100 बी ब्लॉक के प्लाटों के कब्ज़ा माफिया से वागजार करवा के अपने लोगों को दे के गया था, जो दोबारा फिर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़े कर लिए हैं। मैं एफ ब्लॉक की बैलेटिंग करवाने के बाद अलॉटमेंट लेटर अपने लोगों के हवाले करके गया था, लेकिन आज तक वहाँ पर ना डेवलपमेंट हुई ना लोगों को पोजेशन मिले। मैं फेज़ टू के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरा एक प्लान तैयार करके, जिसका एंड पे ये था, फाइनल था कि सेक्टरी इंफॉर्मेशन ने अखबार में इश्तहार देना था जगह के लिए, और कमिश्नर लाहौर की सरबराही में एक कमेटी बनी थी जिसने जगह को सिलेक्ट करना था ताकि हम फेज़ टू बना के हमारे 1800-1900 जो बाकी मेम्बर्स हैं उनके लिए प्लाटों का बंदोबस्त करें। लेकिन इन 3 सालों के दौरान सारे काम ना सिर्फ जू के तू बल्कि कुछ काम रोल बैक कर गए। इस वजह से मेरे ग्रुप ने मेरे ऊपर दोबारा एतमाद का इजहार किया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूं, और जो काम जहां तक मैंने छोड़े थे वहीं से हम दोबारा शुरू करके 2022 में अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया 4-6 माह में इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल करेंगे। जी नई चीज़ें तो इंशाल्लाह ताला आएंगी, लेकिन उससे पहले हमें पुरानी चीज़ों को ठीक करना है। देखें, आपके सामने है कलोनी के मामलात, एफ ब्लॉक को देख लें, बी ब्लॉक को देख लें, फेज़ टू को देख लें, इंश्योरेंस के मामलात को देखें, क्लब की रेनोवेशन को देखें, क्लब के कैफेटेरिया को देखें। सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को ठीक करना है, फिर उसके बाद हमें प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ जाना है, लोगों को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं, उसके हवाले से लोगों को हमें एक लाइन एंड डायरेक्शन देनी है। ये काम क्लब्स का होता है कि लोगों को नई जहद दे, नया रास्ता दे, जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला हम आएंगे तो पुरानी चीज़ों को भी दुरुस्त करेंगे और इंशाल्लाह ताला नए रास्ते भी दिखाएंगे। जी बिल्कुल, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था हमने यहाँ पर वर्कशॉप्स करवाई हैं मुख्तलिफ, और उसके अलावा जो कलोनी के इश्यूज़ हैं उनको उठाया है, ऑडिट की बात की है, हमने एफ ब्लॉक के लिए एफ़र्ट्स किए हैं। हमारी अमली एफ़र्ट्स तो मौजूद हैं, लेकिन जब मामला आ जाता है कि जी आपने ग्रुप्स के साथ चलना है तो फिर वहाँ कबाहतें आती हैं, लेकिन जब हम बॉडी के अंदर चले जाते हैं फिर तो हमें यूनानिमसली काम करना होता है और क्लब कम्यूनिटी के लिए काम करना होता है। अल्लाह के फजल से जी हमारे ज़िम्मे जो काम था अल्लाह ने लगाया, वो मेहनत करना था, वो हमने कर लिया है। अब नतीजा अल्लाह के हाथ में, और मैं समझता हूँ
हूँ कि इस वक्त कलम मजदूर बहुत ज़्यादा अवेयर है, उसको पता है कि मालकान के कैंडिडेट कौन है, सियासी जमातों के कैंडिडेट कौन है और उनकी क्लास में से कौन है। हमारे दुख दर्द कलम मजदूरों के सांझे हैं, सो आई बिलोंग टू देयर क्लास। टेक गुड केयर। अच्छा मतलब भाई, आप इलेक्शन को जाहिर है आपने मतलब बड़ी मेहनत की है और आप जियो के एक बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इस वाले से तो क्लब के हवाले से आप जाहिर है आप विन करते हैं माशाल्लाह, तो आप क्या ऐसी सूरत है कि जो आप देखते हैं कि इसमें जो काम होने वाले हैं, जाहिर है हमारा जर्नलिस्ट पैनल ने बहुत काम किया है और अरशद अंसारी साहब ने बहुत काम किया है, तो आप इस वाले से क्या बात करते थे? बिल्कुल, आपने दूर फरमाया कि जिस तरह अरशद अंसारी ने हमारे जर्नलिस्ट पैनल ने काम किया है और हमारा सबसे पहला जो काम वो यही होगा कि हमारे जो मेंबर्स जिनको अभी तक प्लॉट नहीं मिल सके, जिनको घर नहीं मिल सके, उनको इंशाल्लाह प्लॉट या घर ज़रूर लेके देने हैं और इस सिलसिले में जो है वो तकरीबन 60% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। नया जो घर पाकिस्तान जो स्कीम थी उसके लिए हमने पंजाब से जो है उनसे ये मंजूर भी करा लिया कि जो वहाँ पर साफिक रूम में 4 टावर जाएंगे उनमें एक टावर में फ्लैट्स होंगे और नौ मरले का ये फ्लैट होगा, जिनको प्लाट नहीं मिले उनको इंशाल्लाह ये फ्लैट्स दिए जाएंगे ताकि वो उनका जो घर का ख्वाब था वो पूरा हो सके। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि अब देखें सदर के लिए 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आज़म चौधरी साहब हैं, बाबर डोगर है और जावेद फरूकी साहब हैं और जैद शेरवानी साहब हैं और हारून रशीद साहब हैं कोई, तो आपके ख्याल में अगर 4 पैनल हैं और उनमें वोट की क्या सूरत हाल, क्या रिश्वत है? मुझे लगता है जी जिस तरह जर्नलिस्ट पैनल ने काम किया है पिछले 3 साल में, जिस तरह क्लब को बनाया है और अगर देखा जाए तो इंशाल्लाह कोई अगर इस रेशो को देखा जाए तो 25% रहेगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जर्नलिस्ट पैनल को इंशाल्लाह 40-50% वोट पड़ेंगे, बाकियों जो क्योंकि बाकी भी जो हैं सुदूर उनके जो हैं वो हो सकता है 25-30%, लेकिन कामयाबी इंशाल्लाह वो जर्नलिस्ट पैनल के हाथ में ही आएगी। बहुत शुक्रिया भाई। जी आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा मेहनत करने का फल देती है। हमें सिर्फ ये लालच होता है कि जो आए जो वादे कर रहा है वो उसे पूरे करें, तो इस दफ़ा हमने ये चूँकि हमने 6 सालों में मुख्तलिफ लोगों का साथ दिया किसी ने वादा वफा ना किया, तो मैं खुद तो नहीं इलेक्शन लड़ता लेकिन मैं ये ज़रूर कोशिश करता हूँ जिसका इलेक्शन है उसका इलेक्शन उससे भर के लड़ूँ। अब हमने पायनियर ग्रुप बनाया और उसमें आपने देखा कि सीनियर 3 लोग मौजूद हैं और इस मिशन के और साथ आए हम कि इंशाल्लाह ताला इस सवाल फतह के बाद हम प्रेस क्लब की तारीख और हिस्ट्री को बदलेंगे और प्रेस क्लब में हाउसिंग सोसाइटी के जो मामला में सियासत होती है इसे ख़त्म करेंगे। सहाफ़ियों का ये घर था, घर है और इसे घर बनाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ, आज़म जो साहब यहाँ जब यहाँ प्रेस क्लब के सदर थे तो एफ ब्लॉक के फार्म उन्होंने तकसीम किए जो उसके बाद आज तक किसी ने नहीं किया, उसके बाद बी ब्लॉक जिसके कब्ज़े थे 100 से ज़ायद प्लाट के कब्ज़े उन्होंने खुद जाकर छुड़वाए, ज़ख्मी हुए, लड़ाई लड़े, खुद मुकदमात का सामना किया और हमारे 100 कारकुनों सहाफ़ियों को प्लाट दिलाए, तो इससे बढ़ के और क्या। अब आए हैं, अब फेफ ब्लॉक के बाकी काम फेज़ 2 का मसले ये हल करेंगे और प्रेस क्लब को फैमिली प्रेस क्लब बनाएंगे। लेकिन इसके बाद फिर ऐसा कुछ देखने में आए कि आप फिर जर्नलिस्ट ग्रुप के साथ चले, अरशद अंसारी साहब के साथ चले, आप उनके साथ एक मुखलिफ स्टैंड किए, वो इन हुए माशाल्लाह प्रेसिडेंट, खास मैंने अल्लाह से तौबा किया कि मेरे मौला अगर मैंने किसी का ऐसा साथ दिया है कि अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंची है या जो शख्स हमारी वजह से जीते हैं और उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो आज हम उन तमाम ग्रुपों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। हमने एक नया ग्रुप बना लिया है, इसलिए नया ग्रुप बनाया है कि बजाय हम उन लोगों के क्यों ना लेकर आए कि जो वाकई हकीकी तौर पे काम करते हैं, हम बजाय उन लोगों को मुंतब करें जिनका ज़रिया माश, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रिया माश और सारा कुछ जिनका सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब की सियासत नहीं, सहाफ़ी को लाहौर प्रेस क्लब का सदर होना चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर को नहीं, लाहौर प्रेस क्लब का सदर किसी क्रिमिनल को नहीं होना चाहिए, एक बासुल शरीफ इंसान को होना चाहिए, तो इसलिए हमने पूरी जो हमारी टीम है बासुल शरीफ है। देख लें, मुझे अभी हैरानगी हो रही थी, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे उम्मीदवार देख रहा था, आप भी देख रहे थे, आप कह नहीं सकते, मैं कह देता हूँ कि जिनके बाहर क्या कारोबार हैं, तो हमने प्रेस क्लब को साफ़ करना है, यहाँ पे साफ और शफाफ क़यादत लानी है जो इंशाल्लाह ताला आज़म चौधरी साहब की सूरत में, मियाबत साहब की सूरत में, शराज असनाद साहब की सूरत में आएगी।
मेरे साथ बड़े प्यारे भाई हैं ताहर मेहंदी साहब और लाहौर प्रेस क्लब के जो इलेक्शन हो रहे हैं इन पे बड़ी गहरी नज़र है और गवर्नर बॉडी के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहर जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, मैं आज इस इलेक्शन के हवाले से ये कहूँगा कि माजी में इस तरह ग्रुप नहीं आए, इस बार चार जो इलेक्शन पैनल हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं सामने जो माजी में नहीं आए। माजी में तीन चार तबकों ने लाहौर प्रेस क्लब पे हुकूमत की है, लेकिन लाहौर प्रेस क्लब मैं समझता हूँ सहाफ़ियों के लिए एक पनाहगाह है और सहाफ़ियों के बैठने की जगह है और खूबसूरत एक बेहतरीन ऐसी प्लेस है जहाँ सहाफ़ी मिल के अपने मामलात को हल कर सकते हैं, अपने घरों के मसाइल डिस्कस कर सकते हैं, अदारों के मसाइल डिस्कस कर सकते हैं और हर तरह की अपॉर्चुनिटी इस अदारे में है। बताएँ कि पांच प्रेसिडेंट के जो हैं वो कैंडिडेट खड़े हुए हैं जिसमें जावेद फरूकी साहब हैं, बाबर डोगर साहब हैं, आजम चौधरी साहब हैं और रशीद साहब हैं, हरून रशीद साहब हैं और जाय शेरवानी साहब हैं। तो वोट की क्या रेशो आएगी, किस तरह ये आप इस दफ़ा? एक तो मैं जो देख रहा हूँ कि एक वोट जो है वो उस तरह कास्ट नहीं हुआ जितनी हमारे प्रेस क्लब की मेम्बरशिप है, उस तरह वोट कास्ट नहीं, चूँकि हम खड़े हुए हैं कंपेन कर रहे हैं और वोट कास्ट नहीं हुआ। सेकेंड ये है कि वोट इस दफ़ा इस तरह ही फ़र्क आएगा कि अगर कोई 30 लेगा तो एक 25 ले लेगा, अगर कोई एक जो है वो 35 लेगा तो दूसरा 30 ले लेगा, वोट तकसीम हो रहा है। देखें जी, लाहौर प्रेस क्लब का जो इलेक्शन है ये एक फेस्टिवल है जिसे हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाते हैं हर साल, और ये इसका हुस्न जो है ना वो यही है कि हर साल ये इलेक्शन होता है बाकायदगी से, और इस बार मैं काफ़ी साल बाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ गवर्निंग बॉडी पे और इंशाल्लाह दोस्तों की मोहब्बतें इस तरह निछावर हुई हैं कि मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि इस बार इंशाल्लाह हम गवर्निंग बॉडी का हिस्सा होंगे और क्लब की फलाह बहबूद के लिए और हमारे जो मेंबरान हैं उनकी बेहतरी के लिए और फेज़ टू के लिए जो कोशिशें हमने करनी हैं हमने सोचा हुआ है, इंशाल्लाह करेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ना वो चलता है। दूसरा ये है कि इस मरतबा मैं समझता हूँ कि एक लोगों ने ये फैसला किया कि स्टेटस को तोड़ना है, वो जो एक्चुअल तब्दीली है वो लानी है। तो ज़्यादा लोग जो है ना मैं समझता हूँ, मैं यहाँ सुबह से खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ पाइनियर्स ग्रुप को जो है ना वो लोग प्रेफर कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि जो भी जो है ना वो जीते, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनके लिए उनको काम करना चाहिए और प्रोफेशनल जर्नलिज्म को जो है वो फ़रोग देना चाहिए। प्रोफेशनल जर्नलिज्म हमारे यहाँ ख़त्म होती जा रही है, तो यही एक मैं समझता हूँ ये पानियज ने भी ये नारा लेकर आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फेस्टिवल है और साल के बाद हम जैसे लोग जो हैं आ जाते हैं दोस्तों से मिल लेते हैं तो ये मिलने का एक बहाना बन जाता है और ज़रा अच्छा है, रौनक लगी होती है, सारों से एक दफ़ा मुलाकात हो जाती है, बिछड़े मिल जाते हैं, ये कुंभ का मेला है जिसमें बिछड़े हुए मिल जाते हैं दोबारा से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन हो रहा है ये मैं समझता हूँ इलेक्शन नहीं एक फेस्टिवल है और इसमें जो है आज साफ़ी कम्युनिटी जो है वो अपनी जो है वो साल के लिए जो है क़यादत को वो नामजद करेगी। उसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग ज़्यादा जिन्होंने यहाँ पर काम किया है अरशद अंसारी साहब और आजम चौधरी साहब हैं जिन्होंने एफ ब्लॉक के लिए हमें जो है वो प्लाट दिलवाए और बी ब्लॉक के कब्जे छुड़ाए, इसमें मैं समझता हूं कि दोस्तों को चाहिए कि आज आजम चौधरी को वोट डालें और सारे लोग जो है वो अच्छे और ऐसन तरीके से एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलके जो है आज का ये दिन जो है उसको फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट करें। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि दोस्तों के दरमियान एक बहुत ही सेहतमंदाना माहौल के अंदर, खूबसूरत माहौल के अंदर एक इस किस्म का मुकाबला है कि किसने ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी कम्युनिटी की खिदमत करनी है और कोई हरीफाना तासुर यहाँ नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है, बड़े प्यार भरी फ़िज़ा के अंदर सारा मामला हो रहा है और यही लाहौर प्रेस क्लब की खूबसूरती है। देखें, कमी कुताई का मामला नहीं है क्योंकि ये नोट किया गया है और ये रिकॉर्ड पर है कि जर्नलिस्ट पैनल जब भी आया है उसने खा वो साफियों के ज़ाती मसाइल हों, खा वो उनके दफातर से मुतलका चीज़ें हों,
خواب وہ ان کے ریزیڈینشل کے معاملات ہوں, تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اور مشکل وقت آ جائے تب بھی جرنلسٹ پینل پرو ایکٹیو رول ادا کرتا ہے, اور جس طرح ہم نے دیکھا کالونی کے اندر بھی انہوں نے کام کرائے ہیں, اور خصوصاً دیکھیں یہ جو حالات پچھلے 3 سال سے چل رہے ہیں اس میں تو میڈیا ہاؤسز ہی بیٹھ گئے ہیں, اس دوران بھی لاہور پریس کلب نے اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا ہے اور یہ جرنلسٹ پینل ہی کرتا رہا ہے, تو بنیادی طور پر ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ایک مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے میں دوبارہ ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. سر سب سے پہلے تو یہ ایک مجھے بڑی اچھی ایکٹیویٹی لگتی ہے کہ سارے لوگ مل لیتے ہیں, پورے سال کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے, آپ سے ملاقات ہوئی ہے, سارے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو اس میں جمہوریت کا فائدہ یہ ہے کہ اب بہت سارے ایسے ہمارے جو صحافی ہیں جن سے پورا سال ہمیں کام پڑتے رہتے ہیں, تو یہ وہ دن ہے جس کی وجہ سے وہ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے کیمپین کر رہے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں, اور ابھی نعرہ لگتا ہے جب الیکشن آتے ہیں تو فیز 2 کا نعرہ لگ جاتا ہے, وہ ایف بلاک کا غالب نعرہ لگ جاتا ہے. چلیں اس بہانے ایک ایشو زندہ تو ہے نا, ایشو چل رہا ہے, تو کینڈیڈیٹس بہت سارے ہیں, اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ لوگوں نے اس الیکشن میں کنٹیسٹ کی ہے, ساروں کے لیے بیسٹ وشیز ہیں, نئے خواہشات ہیں ہماری, سب نے محنت کی ہے اور آئی ہوپ کہ یہ لوگ ڈلیور بھی کریں اس کے بعد. ایشوز حل بھی تو ہونے چاہیے نا, ایشو نہیں چلتے رہنے چاہیے, میں کہہ رہا ہوں کہ ایشو حل بھی ہو. تو جو ایک دفعہ آپ کا نعرہ لگا کے آتا ہے وہ نہیں کرتا, تو میں نے اس دفعہ ہو سکتا ہے اپنا ووٹ چینج کر لوں, جمہوریت ہے نا, میرے پاس حق ہے, آپ کے پاس بھی حق ہے, ہم ووٹرس ہیں, ہمارے پاس حق ہے اس چیز کا, تو جو ایشو حل کرے گا اس کو اگلی دفعہ بھی ووٹ دے دیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کون سی جماعت آج جیتتی ہے, آج اس کے بعد وہ اپنا مینڈیٹ پہ پورا اترتی ہے, وہ کام اپنا پورا کر کے دکھاتی, جو نعرے تھے تو ڈیفینیٹلی اگلے سال بھی ووٹ دیں گے, نہیں تو پھر کوئی اور سے. تھینک یو. گہما گہمی تو ماشاء اللہ کافی بھرپور طریقے سے چل رہی ہے اور بہت اچھا یعنی کہ لگ رہا ہے جتنا بھی یہ ایونٹ ہے, اور یہ سالانہ ایونٹ ہوتا ہے ہمارا لاہور پریس کلب کا, اور بڑے احسن طریقے سے اس کو منایا جاتا ہے, اور ہمارے دوست ہیں سینئر نائب صدر سلمان قریشی صاحب, اور ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس الیکشن میں کامیاب ہوں اور صحافیوں کے لیے اہم کردار ادا کریں. الیکشن بڑا بھرپور الیکشن جا رہا ہے, سارے لوگ آئے ہیں, سارے دوست بھائی صحافی لوگ جتنے سینئر صحافی سارے لوگ موجود ہیں یہاں پہ, تو پارٹی سے بالا تر ہو کے الیکشن جو ہے وہ جیتے کوئی بھی خیر, جیتنے والے کو مبارکباد اور ہارنے والے کو جو ہے وہ بیسٹ آف لک, لیکن یہ ہے کہ سب کو مل کے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہوگا, اپنے شعبے کے لیے جو جس کے لیے یہ کرتے ہیں اس کے لیے کام کرنا. جی السلام علیکم ناظرین, میرے ساتھ ہیں قیصر عباس صاحب اور یہ صحافی ہیں, ایک بڑے خوبصورت بھائی ہیں ہمارے, اور لاہور پریس کلب کے جو الیکشن ہو رہے ہیں 2022 اس کے بارے میں ان سے بات کرتے, کیونکہ صبح سے شام تک انہوں نے شارٹ کیے ہیں مختلف لوگوں سے, تو بات کرتے ہیں. السلام علیکم قیصر. جی وعلیکم السلام. اچھا بھائی قیصر بھائی, کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں 2022 لاہور پریس کلب کے الیکشن؟ ایسا ہے کہ ندیم صاحب آپ کے ساتھ ہی ساری ورکنگ رہی ہے صبح سے شام, ماشاء اللہ اب تو بالکل اینڈنگ کے معاملات چل رہے ہیں, تو ہم نے تو ہر وہ سینئر صحافی کا انٹرویو کیا ہے, ان سے پوچھنے کی شارٹ ان کے لیے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے دور اقتدار میں وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں, اور کیا نئی ایسی پالیسی, کیا نئی ایسا سسٹم, کیا کوئی ایسا نیا کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے سامنے آئے, جس کے لیے آپ پر امید ہیں. تو اس میں ابھی تو دیکھیں سوالات ہمارے ایسے ہی تھے, وہ کچھ لوگوں کو شاید فیل بھی ہوئے, تو یہ ہے کہ اس میں پوچھنا جو ہم لوگ چاہ رہے تھے اس میں صرف یہی تھا کہ چیز نکل گیا ہے کہ جن لوگوں کے مسائل ہیں ابھی تک رکے میں ہیں, بلاک ہو گیا, فیس 2 ہو گیا, اس طرح کے معاملات, وہ ابھی تک لوگوں کے حل نہیں ہو پا رہے, وہ وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں, اور نئی چیز بھی اسی صورت میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ شاید اپنے اندر وہ چیز محسوس کریں کہ ہم لوگوں نے مختلف چہروں کے ساتھ نئے گروپوں کے نام دے کے کوئی کوشش نہیں کی, بلکہ وہی چہرے ہیں, نئے گروپوں کے نام سے ضرور ہم لوگ ان ہوئے ہیں. تو اس میں جی جی اس میں یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 کینڈیڈیٹ صدر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ووٹ ہے 2400 ووٹ ہے, جی جی, اور 5 کینڈیڈیٹ میں کسی کو پتا ہے کہ جو نام ہے ادھر کو گرے ہیں, اور اس کے بعد جگت فرقی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اعظم چودھری صاحب ہیں, روشی صاحب ہیں, اور زاہد شیروانی صاحب ہیں, تو یہ ووٹ ٹوٹ نہیں جائیں گے؟
जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है। इसमें ये है कि ग्रुप जो हैं वो तो वो भी खैर वो रिज़ल्ट नहीं ला सकेंगे जो पहले लाते रहे हैं, अरशद अंसारी साहब के दौर में हो गई हैं, प्रोग्रेसिव के दौर में, क्योंकि उन्हीं के कुछ दोस्त थे, उन्हीं के कुछ लोग थे जो उनसे अलहदा होकर नए नए ग्रुपों में नए नए नामों के साथ सामने आए हैं। अब उसमें ये है कि जो जिनसे उम्मीद की जा सकती है वो मुझे जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो इलेक्शन में जो मुकाबला नज़र आ रहा है वो डोगर साहब का और इसके अलावा जो उनके मद्दे मुकाबले हैं सॉरी कि ना सिर्फ डोगर के मुकाबले कौन खड़ा है आज़म चौधरी साहब। हाँ अच्छा, उसमें ये है कि वो अपना डोगर साहब और आज़म चौधरी साहब के दरमियान जो सा ना देखने में आ रहा है कि इन दोनों का मुकाबला बड़ा टफ जाएगा, ये इनके सामने आने के कुछ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सदारत मिलने के। और सेक्रेटरी के लिए जो बज़ाहिर जो हमें जो सीट नज़र आ रही मुझे वो जाहिद चौधरी साहब की नज़र आ रही, इसके बावजूद कि मियाँ आबिद साहब जो उनसे हैं पुराने खिलाड़ी हैं माशाल्लाह प्रेस क्लब के, आज से हाँ आज से 18-19 साल पहले भी वो लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इसके बावजूद भी जो सा ना वो क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे आ गए और वो लोग इनसे इतने चेहरे से वाकिफ नहीं है, अब ये है कि हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि बहरहाल जो भी नायब सीनियर नायब सदर के लिए वो लड़ रहे इलेक्शन, उनका स्टिकर लगाया है। जी जी, सलमान कुरैशी छोटा भाई भी है हमारा, बहुत प्यारा दोस्त है, फिर ये है कि यारों का यार है, उसके साथ पूरी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पूरे चीफ सपोर्टर भी हैं, पूरी मोहब्बत करने वाले हैं, अपना बस समझ लें पूरा उससे लव है जनाब, बड़ा हमारा प्यारा दोस्त है, प्यारा साथी। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो दोस्तों के साथ चलने वाला काम आने वाला उनका, तो ये है कि हम लोग तो पूरी उम्मीद है, खैर से जो भी आए जो भी ग्रुप सामने आए किसी भी शक्ल में आए, क्योंकि ये ऐसे लग नहीं रहा कि पूरे पूरे पैनल जो उनसे हैं वो विन करेंगे, ये किसी भी सूरत में आए हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर साबित हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपको पता है कि इलेक्शन जो है 2022 लाहौर प्रेस क्लब, इसके रिज़ल्ट जो है ना रात को ही आने हैं, कौन विन करता है, कौन जो पैनल है कौन सा पैनल विन करता है, कौन सा कैंडिडेट विन करता है, इसके बारे में रिज़ल्ट रात को आएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।